बारिश में छाता चाहिए, धूप में छांव चाहिए, हर मौसम में किसी को मारना हो तो नानी चाहिए। आज जीजा जी की आंखों में खुशी देखनी है और तुम्हारी आंखों में मौत। तू तो गया। ठीक है तो हो जाए, लेकिन मरने से पहले मेरी बात सुनो। भाई इसकी बात मत सुनना आप। क्यों, बातों से ही मार देगा क्या? अगर इसकी बात सुन ली ना तो चिकनगुनिया हो सकता है। अच्छा चल मार के तो दिखा। मारूंगा नहीं, मौत से मुलाकात करवाऊंगा। वहीं पर किसी को जान देने के साथ साथ जान लेने के बारे में भी पढ़ते हैं। आज तू भी देख ही लेना, अगर कसकर एक सिर पर दे दिया ना तो दिमाग की सारी नसें चूर चूर हो गए, खून को खोपड़ी में फैला देंगी, फिर तेरी आंखें हाथ पैर गर्दन सब सुन्न हो जाएगा। ये भी नहीं कर पाएगा, जिंदा लाश बन जाएगा, फिर हमारे लैब में प्रैक्टिकल्स के लिए काम आएगा। तो आ जा रे, देखते हैं तेरे कॉलेज में मेरी लाश जाएगी या तेरी लाश।
उस बुजदिल पप्पू यादव ने नानी की वजह से हमें फंसा दिया है, लेकिन नानी जेल में था वो बाहर कैसे आया पता करो। इस हालत में हम कहाँ छुपेंगे, पूरा स्टेट हमारे लिए चप्पा चप्पा छान रहा है। मैं अपना ख्याल रख लूंगा, तुम अपना काम करते रहना और हाँ मेरे कॉन्टेक्ट में रहना। ब्लैंक रेंज भी आपके सामने खड़ा करूंगी, सिर्फ 5 सेकंड में वो आपके सामने होगा सर। बदमाश, उसे पता नहीं उसका पाला किससे पड़ा है, आपसे पड़ा है। वो हर बार हमारे हाथों में आकर निकल जाता है, पता नहीं वो कब पकड़ में आएगा। सिद्धार्थ लाइन पर है सर। हे, मेरी होने वाली बीवी का क्या किया? अभी तक कुछ नहीं किया। अरे तो करना क्या चाहते हो? सब्जी बना के खाना चाहता हूँ। क्या कुछ भी पूछ रहा है, अगर तुझे तेरी हीरोइन जिंदा चाहिए तो मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। क्या है डिमांड? क्या तू तेरी हीरोइन को पसंद करता है? अरे पसंद क्या, जान है मेरी वो तो। अगर तू फिर से उसके साथ शादी के मंडप में बैठना चाहता है तो जैसा बोलता हूँ वैसा कर। बोल, किसको जान से मारूं? कौन से मिनिस्टर को मारूं या किसी पुलिस ऑफिसर को मारूं? बोले तो मैं सीएम को मार दूं क्या? जान लेना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, मारना जलाना कोई भी काम चुटकी में करता हूँ। कहे तो पुलिस स्टेशन में बम रखवा दूं या किसी एयरपोर्ट को उड़वा दूं। बोल बोल, तेरी वरम के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ये घटिया काम तो तू अब भी कर रहा है, कुछ नया ट्राई कर देना। क्या करना है बोल? राजनीति मतलब प्रजा की सेवा करना, और मेरी डिमांड वही है। तूने जनता को वादे किए लेकिन उन वादों को निभाना तो भूल ही गया। पहले मेरी बात सुन ले, 10 करोड़ मांगेगा ना, 10 करोड़ दूंगा। 10 कॉन्ट्रैक्ट मांग, 20 कॉन्ट्रैक्ट दिलवाऊंगा। शहर के पास 50 एकड़ जमीन मांगेगा ना, वो भी दिलवा दूंगा। अगर किसी आईटी पार्क के सामने कुछ एकड़ जमीन चाहिए ना तो 500 एकड़ दिलवाऊंगा। अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना है ना, 50 सीट्स दिलवाऊंगा, ठीक है? लेकिन ये कैसी डिमांड है? कहता है जनता की सेवा करो, दिए हुए वादे पूरे करो, ये सब मुझसे नहीं होगा। अप्पू, मेरी डिमांड जो है वो पूरे कर, दोबारा फोन नहीं करूंगा, अपना काम खुद कर लूंगा। ठीक है, एक बार मेरी वरम से बात तो करा। पप्पू, तुम कैसे हो पप्पू? वरम, पप्पू, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा वरम। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है पप्पू। तुम चिंता मत करो वरम, मैं हर पल यहाँ डर डर के जी रही हूँ, पता नहीं ये राक्षस मेरे साथ कब क्या कर दे। बस तुम्हारे प्यार का साथ है मेरे पास पप्पू। देखो तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। वरम 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 वरम, अरे भाई बात तो पूरी करने दे। काफी बातें हो गई, मैंने जो बोला है वो कर पप्पू। हेलो हेलो सर, ये सिर्फ खलनायक ही नहीं है, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। हम में से कोई भी उसे ट्रैक नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है ये टेलीफोन पोल के ऊपर चढ़कर बात कर रहा है। सर, उसकी डिमांड पूरी करने के लिए हमें कम से कम 100 करोड़ चाहिए सर। दे दूंगा जितने रुपए चाहिए। सर, स्टेट में उतना बजट नहीं है सर, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए काला धन निकालना पड़ेगा। निकाल दूंगा, मेरी वरम के लिए काला धन तो क्या, सफेद भी निकालूंगा। ए, चलो निकलो यहाँ से। अचानक से आपको जनता की सेवा करना याद आ गया और सब बहुत हैरान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आश्चर्य की कोई बात नहीं है, मुझे मेंटली चोट पहुंचाने के लिए सिद्धार्थ ये सब ट्राई कर रहा है। मेरी पर्सनल लाइफ को जनता के लिए कब का मैंने त्याग कर दिया? देश का कल्याण करना ही मेरी लाइफ का मकसद है, फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। रे 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 रे। पप्पू शाहजहां से कम नहीं है, उसने ताजमहल बनाया था और
ये तेरे लिए गलियों में सड़क बना रहा है, सही है? अरे ऐसे मूर्तियों की तरह खड़े होने से तो अच्छा है कि जाओ जाकर कुछ काम तो करो। अबे लेबर का खर्चा तो बचेगा। सपने में पप्पू आया था क्या? नहीं, तुम आए थे। पार्टी बदल दी? सपने में तुम हम दो प्रेमियों के पवित्र प्यार को समझकर ये जान गए थे तुम कि प्रेमियों को अलग करना गलत है, और फिर तुमने हम दोनों की बहुत धूमधाम से शादी करवाई और तुमने हमें आशीर्वाद भी दिया। तुम्हारी इतने अच्छे कर्म देखकर मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हें खाना भी खिलाया। इसमें एक ही बात अच्छी है। तुमने हमारी शादी करवाई वही ना? तो मुझे खाना खिला रही है वो। वही तो, अच्छा तो लगेगा ना? ये हथकड़ियां खोलो, काम है मुझे। क्यों? अरे अब हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी। खुजली हो रही है मुझे। कहाँ हो रही है? बेशरम आदमी, ऐसे कोई पूछता है क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कितने दिन हो गए सूरज देखकर बस इस सड़ी हुई जगह में मुझे लाकर रख दिया। चल बाहर घूम कर आते हैं। सच बोल रहे हो तुम? कोई पागलपन तो नहीं करेगी ना? तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ घूमना मतलब पुलिस स्टेशन में कैद होने जैसा है। ले चलना है तो मेले में ले चलो। क्या पी रहे हो तुम? दारू है ना? सारे बुरे काम करते हो तुम। अच्छे काम करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। अच्छे काम करते हुए बोर हो जाते हैं क्या? अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी हुई है क्या? मेरे तो बच्चे भी हैं। सच्ची में? हे झूठ मत बोलो तुम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तो क्यों पूछ रही है, पागल हो गई है क्या? अच्छा सुनो, तुमने कभी अपनी जिंदगी में किसी से प्यार व्यार किया है क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं, एज निकल जाएगी ना इस। पप्पू की उम्र क्या है? वो मैं नहीं बताऊंगी। बूढ़ा हो गया है वो। वैसे दिखने में तुम ठीक ठाक ही हो, पप्पू जितना नहीं हुआ। वैसे भी आजकल की लड़कियों की पसंद ही कुछ और है, तुम्हें थोड़ा बदलना पड़ेगा। क्या बदलना है? ये गुस्सा ना, इससे कोई फायदा नहीं होता। लड़कियों से ना थोड़ा प्यार से पेश आना पड़ता है। ये किडनैपिंग फाइटिंग करने से अच्छा तो प्यार करना सीखो तुम। पर सपोज तुम्हें किसी लड़की को भगाना है ना, तो उससे प्यार से पेश आओ, और अगर चुराना है तो उसका दिल चुराओ। फिर देखो कैसे भाग के आएगी तुम्हारे पास और खुद ही भाग जाएगी तुम्हारे साथ। दिल को चोरी करना मतलब? वो क्या होता है? वो मतलब मैं बताती हूँ। प्यार मतलब झरने की तरह कभी सूखता नहीं है, वो समंदर की तरह होता है, हमेशा भरा पूरा। प्यार मतलब एक नाजुक विषय है और ये तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा। उसके लिए ना आपके पास बहुत वो चाहिए होता है। वो मतलब? अरे बता रही हूँ ना, बोलने वाली बात थोड़ी ना होती है, समझने वाली बात होती है। हाँ, वो कभी भी हो जाता है, लेकिन ये कब कहाँ किससे ये बताना तो बहुत मुश्किल है। क्या कंफ्यूज कर रही है, सीधा बताना। कंफ्यूज कहाँ कर रही हूँ, सीधा ही तो बता रही हूँ ना मैं। मुझे लगा तू पागल है, लेकिन हाँ तू प्यार में पागल है। वैसे प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं है, थोड़ा बाहर आकर देख, दुनिया में क्या चल रहा है सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत मान ली तुम्हारी बातें, जब देखो बस डांटते ही रहते हो तुम कभी प्यार से बात नहीं कर सकते।